त्रिभुज के प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा तथा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस और चार थीटा की वैल्यू क्या होगी। यही प्रश्न है कि यदि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस और फोर थीटा की वैल्यू क्या होगी। यही प्रश्न है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमको गिवेन है, जो हमको गिवेन है उसको लिख लेंगे कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो हमको इसको कॉस बनाना है। क्या बनाना है? कॉस। तो इस साइन स्क्वायर को उधर लेकर चले जाओ, बस क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा और ये प्लस है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो कि ये हो गया साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो है अब हमको क्या चाहिए कि कॉस और फोर चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन फोर चाहिए। दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन फोर चाहिए। कर दो वर्ग, ये साइन थीटा है इसका स्क्वायर जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है इसका भी स्क्वायर जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा तो 2 × 4 4 ना तो कॉस पावर 4 थीटा हो गया। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला करके कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस पावर 4 थीटा है। ध्यान दो अब ये जो लड़के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या होगा प्लस जाएगा। 1 = ये माइनस वाला जाएगा प्लस जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos टू पावर 4 थीटा। ये है हमारा आंसर, क्योंकि हमने कहा था cos स्क्वायर थीटा और cos पावर 4 थीटा को बताने के लिए। ये आ गया cos